पूरे देश में शादियों की धूमधाम है, बिहार में भी लगन चढ़ा हुआ है। लेकिन लगन चढ़ा है किसको इस बार जो सुर्खियों में है? वो लगन चढ़ा है 62 साल के जनता दल यूनाइटेड के पूर्व विधायक राम बालक सिंह पर। लगन ऐसा चढ़ा कि अपने उम्र से आधे उम्र की जो महिला है उससे उन्होंने शादी की। कहा जा रहा है कि ये चुनावी शादी है, चुनाव के मद्देनज़र ये शादी की गई। एक दुखद घटना हुई थी, उनकी पहली पत्नी का निधन हुआ था राम बालक सिंह जी का, उसके बाद उन्होंने एक फैसला किया कि उनको दूसरी शादी करनी चाहिए, तो वो शादी हुई है। उनकी नाम है रवीना कुमारी, अलोली की रहने वाली है, सीतामढ़ी की, सीताराम बाबू की बेटी है, और वो चुनाव लड़ने की चर्चा उसको लेकर विभूतिपुर और समस्तीपुर जिले में काफ़ी तेज हो गई है। तो आखिर ये हो क्यों रहा है? देखिए, कुछ कानूनी उलझन है जिसमें राम बालक सिंह अभी फंसे हुए हैं। उनको लगता है कि ऐन मौके पर अगर कोई कानूनी पचड़ा आ गया तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि विभूतिपुर को लेकर जो उनकी तैयारी है इस बार 25 को लेकर, वो ज़बरदस्त तैयारी है। उनको लगता है कि जो 2020 में हुआ, जो चिराग मॉडल के कारण वो चुनाव हार गए, नहीं तो वो चुनाव भी वो जीत सकते थे, उनका दावा है। लेकिन चिराग मॉडल के कारण विभूतिपुर से वो चुनाव हार गए और विधायक से वो पूर्व विधायक हो गए। उसके बाद कुछ कानूनी पचड़ा आया, जिस कानूनी पचड़े में वो फंसे, और उसके बाद उनको लगा कि नहीं, अब चूंकि चुनाव लड़ना है विभूतिपुर से, उनकी सीट है, जनता दल यूनाइटेड की सीट है, तो कुछ न कुछ करना होगा। तो एक शादी करने का फैसला उन्होंने किया। पहले कुछ देखिए, कुछ झलकियाँ, कुछ वीडियो कि ये शादी पहले हुई क्यों और क्यों चर्चा में है ये शादी। लीजिए नीचे सुपर। अल्लाह से जलो तो मैं भी जला हूँ। देखिए, चुनावी शादी का इतिहास बिहार में बहुत पुराना है, बड़े उम्र में शादी का भी इतिहास बहुत पुराना है। आपको याद होगा लोकसभा का चुनाव, अशोक महतो ने शादी कर दी अनीता सिंह से और चुनाव लड़े ललन बाबू के खिलाफ, चुनाव वो हार गई, अलग कहानी है। लेकिन लालू प्रसाद के कथनानुसार शादी हुई और वो चुनाव के अखाड़े में उतरी मुंगेर लोकसभा सीट से। एक और शादी हुई थी, चुनावी शादी, याद होगा आपको, कविता सिंह की। अजय सिंह से कहा गया कि आप शादी करिए, कॉलेज की लड़की थी कविता सिंह, राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन भाग गई अजय सिंह को, तो वो शादी हुई, टिकट हुआ, सांसद बन के दिल्ली चली गई। ये अलग बात है कि इस बार उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन कविता सिंह की भी शादी इन्हीं परिस्थितियों में हुई, वो तो खरमास में हुई थी। ये तो बेचारे लगन में शादी किए हैं राम बालक बाबू, वो तो खरमास में वो शादी हुई थी। अमूमन बिहार में खरमास के महीने में शादी होती नहीं है। बड़े उम्र की बात करिए, बड़े उम्र में भी बड़ी लोगों ने, बहुत लोगों ने शादी की। हुकुमदेव यादव इनके उदाहरण हैं, उन्होंने शादी कर ली थी, लेकिन चलिए शादी हुई तो हो गई, उम्र का बंधन टूटा तो टूट गया। तो राम बालक सिंह मामले में भी उम्र का बंधन टूटा, शादी हुई, खुद 62 साल के हैं, पत्नी जो नई नवेली है वो 31 साल की है, उसको लेकर भी चर्चा है क्षेत्र में कि आधी उम्र की लड़की से उन्होंने शादी कर ली। लेकिन जो राम बालक सिंह का फोकस है, टारगेट है कि नीतीश कुमार की सीट विभूतिपुर जीत के नीतीश कुमार के कदमों में रखना है। तैयारी पिछले 2 साल से वो कर रहे हैं उस क्षेत्र को लेकर, और अंतिम समय में कोई लोचा नहीं हो जाए, कोई दिक्कत कानूनी लोचा ना हो जाए, इससे बचने के लिए उन्होंने शादी का एक फैसला किया। ये शादी हुई है और उनको आगे लाने के लिए, अपने मैडम को आगे लाने के लिए राम बालक सिंह एक बड़े कार्यक्रम की भी तैयारी कर रहे हैं,
हो सकता है उस दिन ही इसका ऐलान होगा कि विभूतिपुर से जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कौन प्रत्याशी होगा। लगता है कि उस कार्यक्रम में बड़े बड़े नेता भी जनता दल यूनाइटेड के जा सकते हैं। तो देखिए, लोग आशीर्वाद दे रहे हैं राम बालक बाबू को। एक दुर्घटना से बाहर आए हैं, नई शादी हुई है, चुनावी लक्ष्य है, चुनाव जीतना है, तो तैयारी उसी लिहाज से हो रही है। और अगर ये तैयारी मुकम्मल पहुंची, मुकम्मल हुई, तो उनके विरोधियों को करारा झटका लग सकता है। क्योंकि लोगों को लग रहा था, खासकर उनके विरोधियों को लग रहा था कि राम बालक सिंह अब समस्तीपुर जिले की राजनीति से फिनिश हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता उनका। लेकिन तमाम आशंकाओं को धूमिल करते हुए, उस आशंकाओं को खारिज करते हुए राम बालक सिंह ने एक ऐसा ज़बरदस्त चाल चला, एक ऐसा पत्ता फेंका कि उनके विरोधी चारों खाने चित अभी समझ में आ रहे हैं, बधाई जरूर दे रहे हैं, भोज का ना खिलाने का उलाहना भी दे रहे हैं। लेकिन राजनीतिक नज़रिए से अगर इस शादी को आप देखिए तो उनके विरोधियों को करारा झटका लगा है। और राम बालक सिंह ने जो एक दाव फेंका है उसका समस्तीपुर जिले की सियासत में, और कहिए कि आसपास के कुछ इलाकों में जहां राम बालक सिंह का अपना प्रभाव है, जनता दल यूनाइटेड अच्छा कर सकती है चुनावी प्रदर्शन, जिसकी उम्मीद जनता दल यूनाइटेड को भी है, राम बालक सिंह को भी है, और पटना में बैठे शीर्ष नेताओं को भी है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।